सो हे गाइस, दिस इज पृथ्वीराज। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नथिंग फोन वन। ये फ़ोन के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, डिटेल वीडियो आपको यहाँ बटन पे मिलेगा। पर मैं नथिंग फोन वन पे वीडियो क्यों फिर से बना रहा हूँ, इसका रीज़न है कि भाई ये फ़ोन की बहुत हाइप चल रही है, मतलब ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सभी तरह सभी जगह ओनली नथिंग फोन वन, नथिंग फोन वन, नथिंग फोन वन। ऐसा क्यों है? और जब भी नथिंग फ़ोन का जब अनाउंसमेंट हुआ था तो उन्होंने ना ये फ़ोन ना एप्पल के इकोसिस्टम से कंपेयर किया था, मतलब कंपेयर टू एप्पल किया था। अगर एप्पल की तरह इकोसिस्टम अगर एंड्रॉयड में भी आए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब अभी जैसे एंड्रॉयड में कैसे एंड्रॉयड टू विंडोज़ मतलब कनेक्टिविटी रहती है, पर एप्पल की तरह सीमलेस नहीं रहती है। तो इसके वजह से मेरे को मतलब नथिंग फ़ोन की वन की बहुत क्यूरियस हूँ मैं भी, नथिंग फ़ोन वन के बारे में। अगर इन केस इसका भी सेम इकोसिस्टम एप्पल की तरह रहा, जब उन्होंने टीज़र दिया था ना तब वो मोस्टली उस टाइम पे ना एप्पल के बारे में ही बात कर रहे थे कि मतलब कंपेयर टू एप्पल मतलब सीमलेस होगा। जैसे एप्पल में एयर ड्रॉप रहता है भाई फ़ोन से लैपटॉप में, नहीं तो उससे आईपैड में, मतलब जहाँ भी अगर आप एक एप्पल इकोसिस्टम में हो तो आपको मालूम होगा भाई कितना सीमलेस तरीके से वर्क करता है एप्पल का इकोसिस्टम। वैसे ही सिस्टम अगर नथिंग लाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। इवन सैमसंग भी ट्राई कर चुका है, पर सैमसंग का इतना इकोसिस्टम इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि एंड्रॉयड फ़ोन्स में अभी क्या चल रहा है। अभी मेरे को बताना नहीं चाहिए, पर आपको एक नॉर्मली बता दूँ कि अभी भी जो भी आपको एंड्रॉयड के अपडेट्स आएंगे वो फ़ोन इनडायरेक्टली कुछ तो फ़ोन में प्रॉब्लम होगा। जैसे हमने ट्विटर पे देखा कि S20 Plus के बारे में लोग बता रहे थे कि अपडेट होने के बाद वो स्क्रीन पे ऐसी लाइन आती है, तो ऐसा सेम एप्पल केस में नहीं रहता ना। आप एक 50-60,000 डाल के एक फ़ोन लेते हो और एक साल बाद डेढ़ साल बाद वो वैसे होता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें, देन इट्स नॉट वर्थ इट, राइट? उससे अच्छा आप एक सेकेंड हैंड आईफोन तो ले लो, नहीं तो एक फर्स्ट हैंड आईफोन ले लो ना। अभी आईफोन 11 शायद 40-42 में मिलता है, आईफोन 12 50-55 में मिलता है, और आईफोन 1365-70,000 में मिल जाता है यार, मतलब इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ एन आईफोन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नथिंग फोन वन। इसके डिटेल वीडियो हमने पहले ही बना चुकी है, पर थोड़ा आपको स्टार्टिंग से बता दूं कि ये फ़ोन ना 12 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, 12 जुलाई रात को अराउंड 8:30 बजे के करीब, विच इज़ ऑन ट्यूजडे। और इसके एक्सपेक्टेड प्राइस सबको मालूम है अराउंड 30,000 रुपीज़ ये फ़ोन आने वाला है। और बहुत सारे नई लीक्स भी आए थे कि भाई हमने जैसे ये फ़ोन के लीक के बारे में बना था, मोस्टली 95% ऑल ऑफ द मार्केट। फिर भी आपको बता दूँ ये फ़ोन के साथ ना आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर मिलेगा विद सपोर्ट OIS, मतलब OIS सपोर्ट करता है। नॉर्मली बजट फ़ोन्स में ना OIS सपोर्ट नहीं रहता है, जो अराउंड 40,000 के नहीं तो 45,000 के ऊपर के फ़ोन्स रहते हैं ना उनमें OIS सपोर्ट रहता है, पर इसमें दिया है, सो वेल एंड गुड। हमको स्टार्टिंग में बोला था कि भाई 33 वॉट से लेके 45 वॉट्स तक इनके बीच में चार्जिंग रहेगी, मतलब चार्जर रहेगा, पर फ़ोन में नथिंग ने चार्जर निकाल दिया है। हमने बॉक्स देखा भाई, मतलब ट्विटर पे सब जगह यही चल रहा है कि भाई बॉक्स इतना पतला है उसमें से कहाँ चार्जर डालेंगे ये लोग। मेरे को तो लग रहा है भाई तीन चीज़ें रहेंगी बस, नथिंग फ़ोन केस नहीं रहेगा ऐसा मेरे को लगता है, अगर दिया तो बहुत बड़ी बात है। नथिंग फ़ोन रहेगा, Type-C to Type-C केबल रहेगी, और कुछ पेपर वर्क पुस्तकें बस, और ये फ़ोन कुछ नहीं देगा आपको। पर मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है, I am asking to you, right? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है नथिंग फ़ोन वन एप्पल से कम्पीट कर सकता है रिगार्डिंग इट्स इकोसिस्टम? क्योंकि भाई आपने देखा बहुत सालों से एप्पल इकोसिस्टम मतलब इतना सिक्योर है, सेफ है। हाँ मेरे को बहुत गालियाँ पड़ने वाली है मालूम है कि भाई एप्पल को ही सपोर्ट करता है ऐसा वगैरह, रियली सॉरी फॉर दैट, इट्स इफ इट्स हर्टिंग यू, पर भाई ये ट्रुथ है। एंड्रॉयड भी अच्छा है, मतलब कैसा है ना, एक बार वीडियो बनाऊंगा एंड्रॉयड वर्सेस एप्पल, मतलब आईफोन में क्या क्या अच्छा रहता है और नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स में क्या क्या अच्छा रहता है। सो डू यू रियली थिंक कि भाई इतना जो हाइप चल रहा है नथिंग फ़ोन वन का, इज़ इट रियली मतलब वो फ़ोन ऐसा रहने वाला है? क्योंकि हमने देखा कि उसका प्रोसेसर 778 है, A778 Plus, इट्स अ गुड मिड रेंज प्रोसेसर। क्या आपको लगता है एप्पल के आईफोन 13 के साथ कंपीट कर सकता है, आईफोन 13 छोड़ आईफोन 12 के साथ भी कंपीट कर सकता है क्या फ़ोन? बिकॉज ऑनलाइन मेरे को कंपैरिजन उसके ही दिख रहे हैं, मतलब आईफोन 12 वर्सेस नथिंग फ़ोन वन, आईफोन 13 वर्सेस नथिंग फ़ोन वन। फ़ोन अच्छा है, मतलब आपको एक सिमिलर एक सबसे बेस्ट थिंग बता दूँ, मेरे को एंड्रॉयड से ना बस दो चीज़ों की रहती है मतलब एक्सपेक्टेड, फर्स्ट वो टाइम टू टाइम अपडेट दे, और दूसरी बात ब्लोटवेयर ना दे फ़ोन में, बस ये दो चीज़ें। अगर एज एन iOS यूज़र ने तो कोई भी एक एप्पल यूज़र रहेगा, नहीं तो कोई भी एक एंड्रॉयड यूज़र रहेगा भाई, उनके लिए मैं एक बात बता दूँ, अभी ये जो नथिंग फ़ोन वन आ रहा है, इफ़ दिस फ़ोन गिव्स दिस टू थिंग्स देन आई विल बी हैप्पी टू टेल यू कि भाई आप ये फ़ोन आग बन करके खरीद सकते हो। देर आर ओनली टू थिंग्स, फर्स्ट इज़ कि टाइम टू टाइम एंड्रॉयड अपडेट्स देना,
मतलब फॉर एग्जांपल फॉर इन केस कंपनी ने बोला कि 2 साल के ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स रहेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, तो वो 2 साल में ना वो कंटिन्यू देना चाहिए। मतलब आप 3 मंथ्स में एक बार दो, नहीं तो मंथली दो, आपको जैसा लगे भाई। पर वो अपडेट्स देते टाइम ना वो फ़ोन को ख़राब मत कर दो यार। मतलब हमने जैसे सैमसंग में देखा कि भाई S20 का एग्जांपल दो, इट्स अ फैक्ट सैमसंग को ये इशू जल्द से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। मैंने ट्विटर पे भी देखा कि S20 प्लस का जो उन्होंने जब अपडेट किया ना, तो उनके स्क्रीन मतलब वो जैसे बीच में से लाइन आती है ना, वैसे हो रहा था। सो सी एंड एज आई सेड इन एंड्रॉइड फोन आई एम ओनली एक्सपेक्टिंग जस्ट 2 थिंग्स। सो आई जस्ट वॉन्ट ओनली 2 थिंग्स फ्रॉम दिस फोन विच इज़ नथिंग फोन वन, टाइम टू टाइम अपडेट्स दो, अच्छे वाले अपडेट्स दो, टेस्ट करके अपडेट्स दो। और दूसरी बात यह है कि ब्लोटवेयर मत दो फोन में, विच इज़ मतलब एक सीमलेस एक्सपीरियंस रहेगा उसकी वजह से, क्योंकि हमने वन प्लस के ऑक्सीजन ऑइस में देखा था कि भाई सीमलेस एक्सपीरियंस, और उसमें ब्लोटवेयर क्या था, नेटफ्लिक्स और स्पॉटीफाई, तो वो भाई अपन तो डेली यूज़ में यूज़ करते हैं वो सब OTT प्लेटफॉर्म्स, तो वो चल जाता है। पर जैसे वो MS टकाटक, वो मौज, ऐसे खतरनाक वाले ऐप्स देते हैं ना, तो उससे हाँ अनइंस्टॉल कर सकते हो, पर कभी कभी क्या होता है ना, OTT अपडेट के साथ ये ब्लोटवेयर आता है। आपको एक बता दूँ, मेरे पास मैं भी एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता हूँ, मेरे सैमसंग के फ़ोन में ना, विच इज़ ए सीरीज़ फ़ोन, मतलब ओल्ड बहुत ए सीरीज़ है, मतलब A30S, वो 3-4 साल पुराना फ़ोन है। तो उसमें मज़ा क्या है मालूम है क्या, मैंने बीच में उसको फ़ोन को अपडेट किया, शायद एंड्रॉयड 12 का अपडेट आया था, फिर उसके बाद एक 15-20 डेज में ना सिक्योरिटी अपडेट आया था। जब मैंने सिक्योरिटी अपडेट किया उसके साथ ना, मेरे फ़ोन में अमेज़ॉन शॉपिंग नहीं है एंड्रॉयड फ़ोन में, मतलब मैं मोस्टली एंड्रॉयड फ़ोन टेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ, मेरा वो काम है अलग बात है। तो उसके साथ ना मैंने मोस्टली ऐप्स ज़्यादा डाउनलोड नहीं किया, तो मैंने देखा कि भाई प्ले स्टोर से मतलब ऑटोमेटिकली अपडेट के बाद अमेज़ॉन शॉपिंग इंस्टॉल हो गया है, MX टकाटक इंस्टॉल हो गया, इंस्टाग्राम इंस्टॉल हो गया। भाई क्यों, मैंने पूछा, आपने मैंने परमिशन ली कि भाई मेरे को ये फ़ोन इंस्टॉल करवाना है। सो ये एक कंपनी का नहीं, मोस्टली सभी कंपनीज ऐसा कर रही है। सबसे नंबर वन तो भाई चाइनीज़ कंपनीज, मैं नाम नहीं लूँगा पर आपको मालूम है ये कौन सी कंपनीज करती है। सो एवरीबडी थिंक अबाउट इट, जब भी ये नथिंग फ़ोन 1 जुलाई को लॉन्च होगा, हम एक लाइव सेशन ज़रूर करेंगे आपकी मदद से, बहुत आपका प्यार आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसमें, और ये फ़ोन के मामले में डिटेल में बात करेंगे। इन केस मेरे पास अगर फ़ोन मेरे को मतलब जल्दी नहीं मिला, तो मैं जल्दी से जल्दी किसी ने, अगर मेरे दोस्त ने लिया नहीं, तो क्रोमा मॉल जाके कहीं तो जाके ये फ़ोन की डिटेल वीडियो बनाऊँगा। तब ये वीडियो आने के बाद आप यू कैन थिंक कि भाई मेरे को फ़ोन लेना है कि नहीं। इफ़ यू आर एन एंड्रॉयड यूज़र, आप मेरे को तो लगता है नथिंग फ़ोन बहुत अच्छा रहने वाला है, मतलब जो मार्केट की अभी बात है, तो उससे आई गेस कि नथिंग फ़ोन 1 गोइंग टू द बेस्ट फ़ोन यू कैन गेट, अगर उसमें ब्लोटवेयर नहीं रहा, टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलेंगे, अच्छे वाले अपडेट्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ आई वॉच इट टिल हियर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर गाइस, टिल देन जय श्री कृष्णा, बाय।